द केरला स्टोरी अभी सुर्खियों में है। महीने भर के बाद भी इस फिल्म को लोग देख रहे हैं। ये मूवी अच्छी होते हुए भी सियासत को हवा दे गई है। पश्चिम बंगाल में तो इस पर बैन भी लगा दिया गया था, हालांकि सुप्रीम कोर्ट की पहल के बाद इस बैन को हटाया गया। तो वही यूपी में इस फिल्म को टैक्स फ्री कर दिया गया है। इसे लेकर बिहार में भी खूब बयानबाजी हुई। हम यहाँ लेकिन आपको ये नहीं बताएंगे कि इस फिल्म से किस पार्टी को फायदा या किस पार्टी को नुकसान है। हम इससे अतर आपको ये बताने वाले हैं कि केरला घूमने के लिए बेस्ट टूरिस्ट लोकेशन कौन कौन सी है। दरअसल इसे गॉड्स ओन कंट्री कहा जाता है। ऐसे में आज हम आपको 5 PM के 5 का तड़का में केरला के 5 बेस्ट लोकेशंस के बारे में बताएंगे, ताकि आप जब भी केरला जाएं तो इन जगहों को जरूर घूमें। सबसे पहले बात करते हैं 5वें नंबर की। यहाँ पर हम बात करेंगे त्रिशूर की। त्रिशूर केरल के सबसे अच्छे पर्यटन स्थलों में से एक है, जहाँ घूमने के लिए बहुत कुछ है। यहाँ के चावक्कड़ बीच की खूबसूरती देखते ही बनती है। इसके अलावा नटिक्का बीच, वडनपल्ली बीच, स्नेहथीरम बीच और पेरियामबलम बीच भी यहाँ की बेस्ट लोकेशंस में से है। दरअसल ये शहर सोने और हीरे के आभूषणों के लिए प्रसिद्ध है। इसी तरह वास्तुकला की क्लासिक शैली में बने भव्य वड्डकुनाथन मंदिर घूमने के लिए भी सबसे लोकप्रिय स्थानों में से एक है। माना जाता है कि इस मंदिर की स्थापना भगवान परशुराम ने की थी। इसके अलावा कई चर्च भी है यहाँ घूमने के लिए। अब बात करते हैं 4वें नंबर की। 4वें नंबर पर बात करते हैं कुमारकोम की। ये शहर जंगलों, धान के खेतों और नारियल के पेड़ों के लिए जाना जाता है। इसकी खूबसूरती को देखते हुए केरल सरकार ने कुमारकोम को एक विशेष पर्यटन क्षेत्र घोषित कर दिया है। इसे लोग हरा भरा स्वर्ग भी कहते हैं। हाउस बोट की सवारी पर्यटकों को खूब आकर्षित करती है। 14 एकड़ में फैला बर्ड सैंक्चुअरी प्रवासी पक्षियों का बेस्ट अड्डा है। साइबेरियन सारस से लेकर दर्जनों प्रजातियों के पक्षियों को यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसके अलावा अरिविकुझी जलप्रपात भी कुमारकोम का प्रमुख आकर्षण है। इतना ही नहीं, यहाँ की मछली के लोग दीवाने हैं। अब बात करते हैं 3rd नंबर की। 3rd नंबर पर थेकड्डी लोकेशन है। लाइफ लवर्स और नेचर लवर्स के लिए तो ये स्वर्ग है। दरअसल केरल अपनी ठंडी जलवायु, हरी भरी हरियाली, वन्य जीव अभयारण्य और चाय, कॉफी और सुगंधित मसालों के लिए फेमस है, और इसके लिए थेकड्डी बेस्ट जगह है। पेरियार वन्य जीव अभयारण्य यानी पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 777 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, जो कि थेकड्डी के दर्शनीय स्थलों में एक है। 777 वर्ग किलोमीटर में से 360 वर्ग किलोमीटर घना सदाबहार जंगल है। यहाँ की झील में खेल रहे हाथी और इधर उधर दौड़ रहे और बैठे हुए बाघों का नजारा देखते ही बनता है। इसी तरह अन्य प्रजातियों के जानवरों को भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब बात करते हैं 2rd नंबर की। इस नंबर पर एलेपी के बारे में बताते हैं। एलेपी भी केरल में घूमने के लिए बेस्ट लोकेशंस में से एक है। ये कोची से 53 किलोमीटर दूर है। यहाँ आपको चमकीले हरे बैक वाटर ताड़ के नीचे वाली झीलें, हरे भरे धान के खेत, रंगीन लगून और 150 साल पुराना लाइट हाउस देखने को मिलेगा। यहाँ का पर्यटन स्थल कायाकल्प और शांत बैक वाटर काफी फेमस है, जिसे पूर्व का वेनिस कहा जाता है। यहाँ मंदिर से लेकर राजमहल और चर्चा भी देखते बनती है। यहाँ की खूबसूरती आप शब्दों में बयान नहीं कर सकते। अब बात करते हैं पहले नंबर पर कोची की। इसे कोचिन भी कहा जाता है, और खास बात कि कोची को गेटवे टू केरल भी कहते हैं। कोची को केरल का सबसे अच्छा पर्यटन स्थल माना जाता है। इसे एक बेहतरीन बंदरगाह वाले शहर के रूप में भी जाना जाता है। यहाँ के एयरपोर्ट को दुनिया में पहली बार सौर ऊर्जा में तब्दील किए जाने पर संयुक्त राष्ट्र की ओर से 2018 में चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड दिया गया था। इसके अलावा कोची कई संस्कृतियों और धर्मों की भूमि भी है। यह यूरोपीय वास्तुकला वाला पुराना शहर है। यहाँ डच पैलेस और चराई बीच भी देखने के लायक है। आप बाकी के वीडियोस के लिए चैनल के साथ बने रहें। अगर इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।